रोज की तरह एक स्वस्थ व्यक्ति घर से निकलता है, वो ट्रेन लेता है, ऑफिस जाता है और वहां वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, पर उसे तुरंत बीमारी का एहसास नहीं होता और शायद काफी दिन तक ना हो। तो फिर वो फुटबॉल मैच भी देखने चला जाता है जहां वो दो तीन और लोगों को भी अनजाने में इन्फेक्ट कर देता है। इनमें से ज्यादातर लोगों को हल्का इन्फेक्शन ही होगा, लेकिन उनमें से किसी एक को इन्फेक्शन की गंभीरता के कारण हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। पर वो पहले तीन इन्फेक्टेड लोग जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखे थे, वो फिर बाहर चले जाते हैं। वो ट्रेन पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं और फिर काम के बाद बाहर घूमने जाते हैं, और इस दौरान वो कई और लोगों को इन्फेक्ट कर जाते हैं जिनमें से 20% को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। कुछ ही समय में इस वजह हॉस्पिटल जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और फिर हॉस्पिटल भर जाने के कारण देश में संकट का आरंभ होगा। कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाएगा और उनमें से कुछ जो बचाए जा सकते थे वो मर जाएंगे। यही सब दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली में हुआ, जहां दो हफ्ते के भीतर बीमारों की संख्या 100 से 5,000 के भी ऊपर पहुंच गई। सैकड़ों की मृत्यु हुई क्योंकि वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाए। गंभीर मरीजों की बढ़ती संख्या के असली जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें बीमारी के लक्षण महसूस नहीं हुए पर वो अनजाने में बीमारी फैलाते गए। जिसका मतलब ये है कि जो लोग इन व्यर्थ मृत्यु से बचाने के लिए सबसे ज्यादा कर सकते थे वो ये लोग हैं। यानी कि हम सब कोरोना वायरस के फैलाव को धीमा करने के लिए आपको ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा जैसे कि आप खुद वायरस से पीड़ित हैं। सार्वजनिक परिवहन, ऑफिस, भीड़ वाली जगहें और यहाँ तक कि छोटी सी छोटी सभाओं से भी दूर रहें, ताकि आप खुद वायरस से बचे रहें और उसके फैलाव को सीमित रखें। इसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम में से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अभ्यास में लग जाएं, तो वायरस के फैलने की गति काफी हद तक धीमी हो सकती है। कुछ समय बाद कई लोग फिर भी वायरस से इन्फेक्ट होंगे, लेकिन दिन ब दिन गंभीर केसेस कम होते रहेंगे जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ असहनीय नहीं होगा और इस वजह कम लोगों की मृत्यु होगी। कोरोना वायरस महामारी के ये दो परिदृश्य हैं, पर ये वाला संभव सिर्फ तभी है अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और इसलिए एक्सपर्ट्स जनता से आग्रह करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस का फैलाव कम करें।